यदि कोई व्यक्ति इंडिया में प्रॉपर्टी खरीदता है तो उस केस में टीडीएस काट के ही आपको पेमेंट करनी होती है सेलर को। लेकिन ये टीडीएस कब काटा जाता है, कब आपको 1% काटना है, कब आपको 20% टीडीएस काटना है, क्योंकि अब टीडीएस के जो रूल हैं वो चेंज हो चुके हैं इनकम टैक्स में। इसके अलावा आपको इस टीडीएस को जमा कैसे करना है गवर्नमेंट के पास, और यदि मल्टीपल बायर है या फिर मल्टीपल सेलर है तो उस केस में टीडीएस को काटते हुए आपको किन बातों का ध्यान रखना है, और उसके बाद टीडीएस सर्टिफिकेट कैसे इशू करना होता है, इन सभी केसेस को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सीएस अद्वीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। प्रॉपर्टी को खरीदना तो मुश्किल है ही, लेकिन प्रॉपर्टी को खरीदते हुए टैक्स की कॉम्प्लायंस करना उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन सीएस अद्वीर सिंह चैनल पे हम आपसे ऐसे टिप्स और नॉलेज शेयर करते हैं जिससे कि आप आसानी से कॉम्प्लायंस कर सकते हैं। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इसके बारे में अपडेट मिलते रहें, और आप हमें व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल सीएस अद्वीर सिंह टैक्स हेल्प पर भी सब्सक्राइब कर लें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, कमेंट में भी पिन किया गया है। यदि कोई व्यक्ति प्रॉपर्टी खरीदता है इंडिया में तो उस केस में से दो बातों का ध्यान रखना है, एक है रेजिडेंशियल स्टेटस और दूसरा है प्रॉपर्टी की वैल्यू। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं स्क्रीन पे ताकि आप इसे आसानी से समझ पाएं। तो यदि व्यक्ति जो बाय कर रहा है वो इंडिया का रेजिडेंट है और सेलर भी इंडिया का रेजिडेंट है, और तीसरा जो है कंडीशन आपको चेक करनी है वो है सेल कंसिडरेशन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। यदि 50 लाख या 50 लाख से ज़्यादा है तो आपको टीडीएस काट के ही सेलर को पेमेंट करनी है। इसी प्रकार यदि बायर नॉन रेजिडेंट है लेकिन जो सेलर वो रेजिडेंट है इंडिया का, तो उस केस में भी यही कंडीशन है कि सेल कंसिडरेशन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 50 लाख या उससे ज़्यादा है तो आपको टीडीएस काट के ही पेमेंट करनी है। और इसके लिए इनकम टैक्स के पोर्टल पे आपको 26QB फॉर्म फाइल करना होता है अपने पैन नंबर के साथ, यानी कि बायर को ये टीडीएस काट के जमा कराना होता है तो 26QB फाइल करना होता है। लेकिन यदि यहाँ पे बायर रेजिडेंट है लेकिन सेलर नॉन रेजिडेंट है तो उस केस में आपको 10 नंबर लेना होता है, उसके बाद टीडीएस रिटर्न फाइल करनी होती है, तो 26QB फॉर्म उस केस में नहीं फाइल किया जाता। तो यदि सेलर नॉन रेजिडेंट है तो उस केस में आपको मैंडेटरी है कि आप 10 नंबर लेके टीडीएस रिटर्न फाइल करें, अदरवाइज आप अपने पैन नंबर के साथ 26QB फॉर्म फाइल कर सकते हैं। तो आपने सबसे पहला स्टेप डिटरमिन कर लिया कि सेलर इंडिया का रेजिडेंट है, तो उस केस में आपको टीडीएस ऑन परचेज ऑफ प्रॉपर्टी यानी कि फॉर्म 26QB फाइल करना है। तो हम समझ लेते हैं कि आपको वैल्यू कैसे निकालनी है टीडीएस काटने के लिए। तो जैसे कि सेल कंसिडरेशन 60 लाख रुपया है और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू प्रॉपर्टी की 70 लाख रुपया है, तो टीडीएस 70 लाख रुपये के ऊपर काटा जाएगा, यानी कि दोनों में से जो भी फिगर हाई है। यदि सेल कंसिडरेशन 70 लाख है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 60 लाख है, तो टीडीएस 70 लाख के ऊपर काटा जाएगा। यदि सेल कंसिडरेशन 45 लाख है, स्टैम्प ड्यूटी 55 लाख है, तो टीडीएस 55 लाख के ऊपर काटा जाएगा। और यदि सेल कंसिडरेशन और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू दोनों ही 50 लाख से कम है तो उस केस में कोई टीडीएस नहीं काटा जाएगा सेलर का। अब समझ लेते हैं कि आपको टीडीएस किस डेट को काटना होता है, क्योंकि इसके ऊपर ही डिपेंड करता है कि आप टीडीएस को कब जमा करेंगे। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहला के जहाँ पे के व्यक्ति को चेक इशू किया गया 25 फरवरी को, लेकिन ये चेक की पेमेंट हुई है 1 मार्च को। तो यहाँ पे आपको टीडीएस काटना है 25 फरवरी को, यानी कि डेट ऑफ क्रेडिट और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। तो यदि आप टीडीएस काटते हैं फरवरी मंथ में तो उस महीने के ख़त्म होने के बाद आपको 30 डेज के अंदर इसे जमा कराना होता है। तो इसके लिए लास्ट डेट 30 मार्च 2024 आएगी। इसी प्रकार मान लीजिए आप अपनी बुक्स में एंट्री कर देते हैं, अभी आपने पेमेंट नहीं की है सेलर को, तो उस केस में भी जिस दिन आपने एंट्री की अपनी बुक्स में उस दिन ये टीडीएस काटा जाएगा, यानी कि डेट ऑफ क्रेडिट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। तो मार्च मंथ में यदि डिडक्शन की गई है टीडीएस की तो आपको 30 अप्रैल तक जमा करना होता है। इसी प्रकार कई बार ऐसा होता है कि आप बिल्डर से कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, आप इंस्टॉलमेंट में उसे पे करते हैं, तो जैसे जैसे आप इंस्टॉलमेंट पे करेंगे वैसे वैसे ही आपको टीडीएस काटना होता है। तो यहाँ पे मान लीजिए आपने एडवांस पे किया है सेलर को या फिर इंस्टॉलमेंट पे की है, तो जिस दिन आपने इंस्टॉलमेंट पे की है एडवांस पे किया है उस दिन आपको टीडीएस काटना है। मान लीजिए 31 दिसंबर में आपने पेमेंट की है तो 31 दिसंबर टीडीएस कटेगा, और 30 जनवरी तक आपको ये जमा करना है गवर्नमेंट के पास। अब डिस्कस कर लेते हैं कि आपको किस रेट से टीडीएस काटना होता है। ये डिपेंड करेगा कि क्या सेलर का पैन एक्टिव है और ऑपरेटिव है। यदि सेलर का पैन एक्टिव है और ऑपरेटिव है, यानी कि सेलर ने अपने पैन को आधार से लिंक किया हुआ है,
तो ही आपको 1% TDS काटना है। यदि सेलर का पैन एक्टिव तो है लेकिन इनऑपरेटिव है, यानी कि उसने अपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया हुआ है, तो उस केस में आपको 20% TDS काटना है। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो TDS डिफ़ॉल्ट का नोटिस आपको आएगा। जैसे ही आप ये TDS डिपॉजिट कर देंगे तो गवर्नमेंट उसे प्रोसेस करती है, तो उसके बाद आपको इसके ऊपर नोटिस आ सकता है। तो इसलिए जब भी आप सैलर को पेमेंट करें तो आप इंश्योर करें कि आप चेक कर लें कि उसका पैन एक्टिव और ऑपरेटिव हो, अदरवाइज आपको नोटिस आएगा। इसके लिए वीडियो आप सीए सतबीर सिंह चैनल पर देख सकते हैं। जैसे कि कुछ टैक्स पेयर को नोटिस आए हैं डिफ़ॉल्ट के, और इस केस में आपको ये अमाउंट पे करना होता है। यदि जिस वक्त TDS काटा गया है उस वक्त सैलर का पैन इनऑपरेटिव था तो आपको हाई रेट से TDS काटना होता है। यदि बाद में सैलर इसे एक्टिव कर लेता है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये नहीं मानता है कि कम रेट से TDS काटा जाना चाहिए था, बल्कि ये देखता है कि जिस दिन TDS काटा गया है क्या उस दिन जो पैन है वो एक्टिव और ऑपरेटिव था। आप ये कैसे चेक करेंगे कि सैलर का पैन इन ऑपरेटिव है या ऑपरेटिव, इसके लिए आप कंप्लीट वीडियो सीए सतबीर सिंह चैनल पर देख सकते हैं। और आप ये भी जान पाएंगे कि यदि सैलर का पैन इन ऑपरेटिव है तो इसे ऑपरेटिव कैसे करना होता है। अब समझ लेते हैं कि आपको ये TDS कैसे जमा करना होता है। तो इसके लिए आपको incometax.gov.in की वेबसाइट पे जाना है। वहाँ पे आप यहाँ पे लॉगिन करेंगे। यहाँ पे आप बिना लॉगिन किए पे नहीं कर सकते, जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि हम ई पे टैक्स में जाके पे करेंगे, आप ऐसा नहीं कर सकते। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं और बायर का पैन नंबर मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, तो उस केस में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है TDS ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी की जो पेमेंट है उसे करने के लिए। तो इसके लिए आपको लॉगिन ही करना है। लॉगिन करने के बाद आप ई फाइल में जाएंगे, उसके बाद ई पे टैक्स में जाएंगे। यहाँ पे आपको न्यू पेमेंट पे प्रेस करना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए 26QB TDS ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी, यानी कि बायर को ये फॉर्म फाइल करना होता है, लेकिन इसे कहा जाता है TDS ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी, क्योंकि सेलर का TDS यहाँ पे काटा जाता है, इसलिए इसे सेल ऑफ प्रॉपर्टी कहा जाता है, TDS ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी। तो आपको यहाँ पे प्रोसीड करना है। अब यहाँ पे आप इसे अच्छे से समझ लीजिए। यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर रेड में आ रहा है, यानी कि सबसे पहले आपको सेलर का पैन नंबर देखना है। यदि वो इन ऑपरेटिव है तो हाई रेट से TDS काटा जाएगा, इसलिए आप पहले ही उसका स्टेटस वेरीफाई कर लीजिए कि क्या वो एक्टिव है ऑपरेटिव है, अदरवाइज़ आपको ज़्यादा TDS काटना पड़ेगा। या फिर यदि कम रेट से काटेंगे तो जब TDS प्रोसेस किया जाएगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा, तो उस वक्त आपकी डिमांड निकाल दी जाएगी। तो यहाँ पे आपको रेजिडेंशियल स्टेटस बताना है सेलर का, कि सेलर रेजिडेंट है नॉन रेजिडेंट। यदि नॉन रेजिडेंट होगा तो आप ये फॉर्म फाइल नहीं कर सकते, आपको रेजिडेंट यहाँ पे चूज़ करना है, रेजिडेंट होना चाहिए सेलर। ये आपका पैन नंबर ऑटोमेटिकली आ जाएगा क्योंकि आपने लॉगिन करके यहाँ पे एंटर किया है, तो बायर का जो पैन नंबर है, नेम है, आधार नंबर बायर का ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब उसके नीचे आपको यहाँ पे डिटेल एंटर करनी है। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एड्रेस डिटेल में कंट्री नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब है कि बायर ने अपना प्रोफाइल अपडेट नहीं किया है। तो सबसे पहले आप प्रोफाइल अपडेट कर लीजिए। तो यहाँ पे आप ऊपर जाएंगे, यहाँ पे देखिए माई प्रोफाइल का लिंक दिया गया, इस पर क्लिक करके आप एड्रेस अपना सही कर लीजिए बायर का। तो उसके बाद आप इस फॉर्म को ओपन करेंगे, तो यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो देखिए सबसे नीचे लिखा होगा कि एक से ज़्यादा बायर है या फिर नहीं। यदि आपके केस में एक से ज़्यादा बायर है तो आपको यहाँ पे यस टिक करना है, और हर बायर के लिए आपको 26QB अलग से फाइल करना होता है। तो अकॉर्डिंगली यहाँ से पूछा जा रहा है, तो हम यहाँ पे यस टिक करते हैं क्योंकि हमारे केस में एक से ज़्यादा बायर है। अब उसके बाद आपको यहाँ पे जो सेलर है उसकी डिटेल एंटर करनी है, यानी कि पैन नंबर एंटर करना है सेलर का, कंफर्म करना है कि जो रेड में फील्ड दिए गए हैं वो मैंडेटरी है फिल करने। इसी प्रकार आप जो सेलर की एड्रेस है वो एंटर करेंगे, तो यहाँ पे आप सेलर का एड्रेस एंटर कर देंगे। और यहाँ पे भी आपसे पूछा जाएगा कि क्या एक से ज़्यादा सेलर है, तो यदि एक से ज़्यादा सेलर है तो यस करना है, अदरवाइज नो करना है। तो आपको सिर्फ अपने जो पोर्शन है उससे रिलेटेड ही 26QB फाइल करना है बायर को। यदि एक से ज़्यादा सेलर है तो यहाँ पे आप यस टिक करेंगे, यदि एक से ज़्यादा सेलर है। तो ऐसा नहीं है कि एक ही बायर जो है वो सभी सेलर का TDS इकट्ठा डिपॉजिट कर देगा, ऐसा नहीं हो सकता। हर जो सेलर है उसके लिए उसको डिपॉजिट करना है TDS सेपरेटली, 26QB सेपरेटली फाइल किया जाएगा, जिससे कि हम आगे डिस्कस भी करेंगे। तो यहाँ पे आप मोबाइल नंबर भी एंटर करेंगे सेलर का और ईमेल आईडी भी एंटर करेंगे। तो यहाँ पे जैसे ही आप सेलर का पैन नंबर एंटर करेंगे, उसके बाद यदि उसका पैन आधार से लिंक हुआ होगा तो यहाँ पे आधार नंबर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इस प्रकार आप यहाँ पे श्योर हो सकते हैं कि उसका पैन आधार से लिंक है, आपको हाई रेट से TDS नहीं काटना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं नेम ऑफ द सेलर, ये मास्क फॉर्मेट में आएगा, यानी कि जो सेलर का नेम का पहला डिजिट है और जो लास्ट डिजिट है फर्स्ट नेम का वो आएगा, और बाकी आप मास्क फॉर्मेट में होंगे। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नेम ऑफ द सेलर सही है या नहीं।
उसके बाद आप नीचे एड्रेस डालेंगे और आगे कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद आपको टाइप ऑफ प्रॉपर्टी यहाँ पे बतानी है कि क्या आप लैंड खरीद रहे हैं या फिर बिल्डिंग, शॉप, अपार्टमेंट, फ्लैट, बंगला एक्स्ट्रा। एग्रीकल्चर लैंड पे टीडीएस नहीं कटता है, लेकिन अगर आप कोई और लैंड खरीद रहे हैं तो उस केस पे टीडीएस काटा जाता है। तो आप यहाँ पे अकॉर्डिंगली चूज़ करेंगे, जैसे कि हमारे केस में बिल्डिंग एप्लीकेबल है। उसके बाद आप जो बिल्डिंग खरीद रहे हैं उसकी डिटेल यहाँ पे एंटर करनी है, फ्लैट नंबर, रोड, पिन कोड एंटर करना है, पोस्ट ऑफिस एरिया और डिस्ट्रिक्ट और स्टेट यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा पिन कोड के बेस पे। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ एग्रीमेंट आपको एंटर करना है। तो डेट ऑफ एग्रीमेंट मान लीजिए हमारे केस में 29 फरवरी है, और यहाँ पे टोटल वैल्यू कंसिडरेशन का एंटर करना है। भले ही एक से ज़्यादा बायर है लेकिन प्रॉपर्टी की वैल्यू यहाँ पे आपको एंटर करनी है। हर बायर का शेयर नहीं यहाँ पे एंटर करना। मान लीजिए 2 बायर है, 35 लाख रुपये यहाँ नहीं एंटर करना। टोटल वैल्यू प्रॉपर्टी की 70 लाख रुपया है, यानी कि 50 लाख से ज़्यादा है, इसलिए TDS काटा जा रहा है। सो सभी बायर जो मिलके कंसीडरेशन पे करेंगे, प्रॉपर्टी का टोटल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन, वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे डेट ऑफ पेमेंट जो और क्रेडिट वो एंटर करनी है। तो जिस दिन आपने क्रेडिट किया, पेमेंट किया, विच एवर इज अर्लियर, उसके अकॉर्डिंग TDS काटा जाता है। तो हमने 29 फरवरी को ही यहाँ पे TDS काट लिया था, वो डेट आपको एंटर करनी है। और डेट ऑफ डिडक्शन आपको एंटर करनी है TDS की। तो जिस दिन आपने क्रेडिट की, पेमेंट की, उसी दिन आपने TDS काट लिया है। यदि इन दोनों डेट में कोई डिफरेंस होगा तो उस केस में नोटिस आएगा आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, इसलिए डेट जो है वो सेम होनी चाहिए। यहाँ पे आपको पेमेंट टाइप सेलेक्ट करनी है। तो यदि आप बिल्डर को पेमेंट करते हैं इंस्टॉलमेंट में, तो हर इंस्टॉलमेंट को पे करने से पहले आपको TDS काटना होता है, 26 QB फाइल करना होता है। तो आप यहाँ पे ये सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि आप पार्ट में पेमेंट कर रहे हैं सेलर को तो इंस्टॉलमेंट सेलेक्ट करेंगे। यदि आपकी ये पहली या दूसरी या तीसरी इंस्टॉलमेंट है तो आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। लेकिन यदि आपकी लास्ट इंस्टॉलमेंट है तो उस केस में आप यहाँ पे इस लास्ट इंस्टॉलमेंट ये सिलेक्ट करेंगे। और उसके बाद आपको ये बताना है कि क्या आपकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू इस कंसीडरेशन से ज़्यादा है। तो यहाँ पे आप यस चूज़ करेंगे यदि आपकी ज़्यादा है, अदरवाइज नो चूज़ करेंगे। तो हमारे केस में ज़्यादा नहीं है इसलिए मैं नो चूज़ कर रहा हूँ। यदि आप एक ही साथ TDS सारा जमा करा देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लमसम सेलेक्ट कर सकते हैं पेमेंट टाइप में, और पूरा TDS एक साथ ही डिपॉजिट कर सकते हैं। यदि आप भले ही अभी पेमेंट नहीं की है, पहले ही TDS काट के जमा करना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट पहले TDS ले सकती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन डिले नहीं होना चाहिए TDS में। तो आप यहाँ पे अकॉर्डिंगली सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यदि आपकी लास्ट इंस्टॉलमेंट नहीं है तो उस केस में आपको स्टैंप ड्यूटी की यहाँ पे वैल्यू देने की आवश्यकता नहीं होती। जब आपकी लास्ट इंस्टॉलमेंट होती है या फिर यदि आप लमसम सेलेक्ट करते हैं तो उस केस में ही आपको यहाँ पे बताना होता है कि स्टैंप ड्यूटी की वैल्यू कितनी है, जैसे कि क्या स्टैंप ड्यूटी की वैल्यू हायर है या फिर लेसर है सेल कंसीडरेशन से, जो कि हमने यहाँ पे ऊपर डिस्कस किया था। तो हम लोग मानते हैं कि आपकी ये लास्ट इंस्टॉलमेंट है, ताकि आप समझ पाएँ कि TDS की कैलकुलेशन कैसे होती है। तो इस केस में आपने अभी तक जो प्रीवियस इंस्टॉलमेंट में जितना भी पैसा दिया है वो भी आपको यहाँ पे मेंशन करना होता है, और अभी आप कितना पैसा दे रहे हैं वो आपको यहाँ पे मेंशन करना होता है। तो हमने यहाँ पे लमसम सेलेक्ट किया है। मान लीजिए हमने प्रीवियस इंस्टॉलमेंट में कोई पैसा नहीं दिया, अभी दे रहे हैं, तो अभी आप कितना पैसा दे रहे हैं। यहाँ पे बायर को सिर्फ अपना शेयर ही एंटर करना है जो वो पे करेगा, और यहाँ पे स्टैंप ड्यूटी वैल्यू भी टोटल होगी प्रॉपर्टी की, लेकिन यहाँ पे बायर को सिर्फ अपना पोर्शन ही एंटर करना है स्टैंप ड्यूटी वैल्यू में। तो यहाँ पे मान लीजिए टोटल जो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू है वो 68 लाख है, तो यहाँ पे आपको 34 लाख ही एंटर करना है, क्योंकि यहाँ पे 2 बायर हैं तो हर बायर को अपना प्रोपोर्शनल शेयर ही एंटर करना है। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे देखिए TDS ऑटोमेटिकली आ जाएगा, यानी कि सेल कंसीडरेशन और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू विच एवर इज हायर, यानी कि 35 लाख रुपीज़ के ऊपर। अब यहाँ पे आपको TDS अमाउंट एंटर करना है। तो TDS यदि पैन एक्टिव है, बायर का ऑपरेटिव है, तो आप 1% यहाँ पे TDS एंटर करेंगे। यदि पैन एक्टिव है लेकिन इन ऑपरेटिव है तो उस केस में आप 20% TDS यहाँ पे एंटर करेंगे। तो उसके बाद आप यहाँ पे कंटिन्यू बटन पे प्रेस करेंगे। यदि आप ये टाइमली फाइल कर रहे हैं तो कोई लेट फीस यहाँ पे नहीं आएगी। अगर आप टाइमली फाइल नहीं कर रहे हैं, यानी कि 30 डेज के बाद फाइल कर रहे हैं फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ जिसमें TDS काटा है, तो उस केस में आपको लेट फीस भी पे करनी होगी। यदि आप TDS को लेट डिपॉजिट करते हैं तो उस केस में आपको लेट फीस भी पे करनी होती है, इंटरेस्ट भी पे करना होता है। तो यहाँ पे मान लीजिए 30 मार्च को आपको
टीडीएस जमा करना था, क्योंकि आपने 25 फरवरी को टीडीएस काटा था, तो विद इन 30 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन टीडीएस वो डिडक्टेड आपको जमा करना था। 35 लाख के ऊपर 35,000 का टीडीएस है, तो आप डिपॉजिट करिए 2 अप्रैल को, यानी कि यहाँ पे 3 दिन का डिले हो चुका है, तो 200 रुपीज़ पर डे के हिसाब से 600 रुपीज़ की आपकी लेट फीस लगेगी। इसके अलावा जो लेट फीस है वो टीडीएस के अमाउंट से ज़्यादा नहीं हो सकती। मान लीजिए आपकी लेट फीस बन रही है 36,000, लेकिन वो 35,000 तक ही रहेगी, ये रूल है इनकम टैक्स में। इसके अलावा यहाँ पे आप इस 35,000 को पे करने में डिले कर रहे हैं, तो आपको इंटरेस्ट भी पे करना होता है 1.5% के हिसाब से पर मंथ। तो इस प्रकार आप अकॉर्डिंगली डिटेल यहाँ पे एंटर करेंगे, कंटिन्यू बटन प्रेस करेंगे, उसके बाद आप इसकी पेमेंट कर सकते हैं नेट बैंकिंग के द्वारा, डेबिट कार्ड के द्वारा, या फिर बैंक के काउंटर पे, या फिर RTGS NEFT के द्वारा, या पेमेंट गेटवे यानी कि UPI के द्वारा। तो आप यहाँ पे किसी भी बैंक का जो पेमेंट गेटवे चूज़ कर सकते हैं, UPI के द्वारा भी पेमेंट कर सकते हैं, या नेट बैंकिंग के द्वारा आप यहाँ पे कोई बैंक चूज़ कर सकते हैं, या जो नीचे अदर बैंक की लिस्ट दी गई है चूज़ करके आप कंटिन्यू बटन पे प्रेस करेंगे, और उसके बाद आपको पेमेंट वेबसाइट पे रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। वहाँ पे आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड एंटर करके इस चालान की पेमेंट करनी है, जो कि अभी जनरेट होगा। तो इस प्रकार से ये जो चालान है वो जनरेट हो जाएगा। यहाँ पे आप पे लेटर भी कर सकते हैं, पे नाउ भी कर सकते हैं। हम आपको गाइड करेंगे कि पे लेटर कीजिए और ये डिटेल जो है वो क्लाइंट को भेज दीजिए यदि आप कंसल्टेंट हैं, ताकि वो इस डिटेल को चेक कर ले, और उसके बाद ही आप पे नाउ बटन पे प्रेस करें। तो पे लेटर कर दीजिए यहाँ पे। उसके बाद आप ई फाइल में जाएंगे, ई पे टैक्स में जाएंगे, यहाँ पे आप जनरेटर चालान पे प्रेस करेंगे। यहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल कर लीजिए और यहाँ पे आप सबसे लास्ट में जाएंगे एक्शन के अंतर्गत। यहाँ पे आप पे कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, डिटेल को व्यू कर सकते हैं। तो यहाँ पे जाके पे कर दीजिए। उसके बाद पेमेंट हिस्ट्री में जाके आप इस चालान को जब पे हो जाएगा तो उसको डाउनलोड कर पाएंगे, जो स्टेटमेंट है वो डाउनलोड कर पाएंगे। तो आप चालान और स्टेटमेंट डाउनलोड करने के लिए ई फाइल में जाएंगे, यहाँ पे ई पे टैक्स में जाएंगे, उसके बाद पेमेंट हिस्ट्री में जाएंगे। आप नीचे से स्क्रॉल कर सकते हैं जिससे कि एक्शन बटन सामने आ जाएगा आपके। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए डाउनलोड रिसीट एंड डाउनलोड स्टेटमेंट है, ये बटन दिए गए हैं। यहाँ से आप चालान को भी डाउनलोड कर पाएंगे और जो स्टेटमेंट आपने फाइल की है उससे भी डाउनलोड कर पाएंगे। अब देख लेते हैं कि यदि मल्टीपल बायर है या फिर सेलर है तो उस केस में 26KUB फॉर्म कैसे फाइल करना होता है, TDS कैसे डिडक्ट करके जमा करना होता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 बार है ए एंड बी, सेलर एक ही यानी कि एक्स। तो यहाँ पे टोटल प्रॉपर्टी के जो कंसीडरेशन है 70 लाख रुपीज़ है। हम समझते हैं कि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू उससे कम है तो हम 70 लाख के ऊपर TDS काटेंगे। तो ए भी 50% काट रहा है, बी भी 50% काट रहा है, तो 35,000 रुपये ए काटेगा, 35,000 रुपये बी काटेगा। तो इस प्रकार एक 26QB फॉर्म मिस्टर ए को फाइल करना होगा, एक मिस्टर बी को फाइल करना होगा यदि वो लमसम में ही TDS काट लेते हैं। लेकिन यदि इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर रहे हैं इस अमाउंट की, तो जैसे जैसे इंस्टॉलमेंट पे की जाएंगी वैसे वैसे मिस्टर ए को या मिस्टर बी को 26QB फाइल करने होंगे। दूसरा केस है, मान लीजिए 1 बायर है 2 सेलर है, तो यहाँ पे टोटल TDS 70,000 का डिडक्ट होगा 1%। लेकिन यहाँ पे मिस्टर ए को 2 26QB फाइल करने होंगे, यानी कि ए मिस्टर एक्स का TDS काटेगा, 50% शेयर मानते हैं कि मिस्टर एक्स का है यहाँ पे प्रॉपर्टी में, और ए ही मिस्टर वाई का भी TDS काटेगा, यहाँ पे 50% शेयर है। तो इस प्रकार यहाँ पे 2 26QB फॉर्म फाइल किए जाएंगे मिस्टर ए के द्वारा इनकम टैक्स के पोर्टल पर। यदि 2 बायर है 2 सेलर है तो उस केस में TDS कैसे कटेगा। इस केस में मान लीजिए मिस्टर ए और मिस्टर बी 2 बायर है, तो इस केस में मान लीजिए टोटल 70 लाख रुपीज़ की वैल्यू है प्रॉपर्टी की, तो इस केस में 35 लाख रुपीज़ के ऊपर ए TDS काटेगा, 35 लाख रुपीज़ के ऊपर बी TDS काटेगा। तो यहाँ पे मिस्टर ए टोटल 35 लाख के ऊपर TDS काटेगा। तो यहाँ पे 2 सेलर है एक्स एंड वाई, हम उनका शेयर मानते हैं 50-50%। तो यहाँ पे 35 को आप फर्दर बाइफ्रिकेट करेंगे 2 हिस्सों में, 70 लाख 50,000 70 लाख 50,000। तो यहाँ पे मिस्टर ए को 2 26QB फाइल करने होंगे इस TDS के लिए 1% के लिए, और इसी प्रकार मिस्टर बी को भी 2 26QB फाइल करने होंगे, क्योंकि यहाँ पे जो सेलर है वो 2 है। इस प्रकार से जो TDS है वो जमा कराया जाएगा इनकम टैक्स के पोर्टल पे। लेकिन यदि इंस्टॉलमेंट में पेमेंट की जा रही है ए या बी के द्वारा, तो जैसे ही इंस्टॉलमेंट पे की जाएगी अमाउंट क्रेडिट किया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग 26QB जो है वो बढ़ भी सकते हैं। यदि मान लीजिए 3 बायर है 3 सेलर है, बायर का भी शेयर डिफरेंट है सेलर का भी डिफरेंट है। मान लीजिए ए बी ओ सी बायर है, बायर 20% शेयर बाय करता है, बी ओ सी 40% शेयर बाय करते हैं। तो यहाँ 70 लाख का टोटल अमाउंट पे किया जाएगा, लेकिन मिस्टर ए के द्वारा 20%, मिस्टर बी के द्वारा 40% और मिस्टर सी के द्वारा
40% के ऊपर जो TDS है वो काटा जाएगा 1%। लेकिन अब यहाँ पे सेलर का शेयर भी डिफरेंट है। मान लीजिए X का 50% था, Y का 30% था प्रॉपर्टी में, Z का 20% शेयर था। तो इस केस में यहाँ पे मिस्टर ए को तो टोटल TDS जो है 14 लाख के ऊपर काटना है। अब इस 14 लाख का फर्दर बाइफ्रिकेट होगा, यानी कि मिस्टर एक्स के केस में 50% के ऊपर TDS काटना है, मिस्टर वाई के लिए 30% के लिए और मिस्टर जेड के लिए 20% के लिए। अकॉर्डिंगली 1% TDS जो है काट के हर एक व्यक्ति के लिए सेलर के लिए 26QB फॉर्म सेपरेटली फाइल किया जाएगा मिस्टर ए के द्वारा। इसी प्रकार मिस्टर बी को टोटल TDS 28 लाख रुपीज़ के ऊपर काटना है, और यहाँ पे भी मिस्टर एक्स का शेयर, मिस्टर वाई का शेयर और मिस्टर जेड का शेयर इसमें पे किया जाएगा, और 26QB मिस्टर बी के द्वारा तीनों केस में सेपरेटली फाइल किया जाएगा। इसी प्रकार मिस्टर सी के द्वारा 3 26QB फाइल किए जाएंगे एक्स वाई और जेड के शेयर के लिए। तो इस प्रकार जो टोटल TDS है वो जो कंसिडरेशन वैल्यू है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू विच एवरी हायर, उसके अकॉर्डिंग आपको 26QB फॉर्म फाइल करनी है। तो जब बायर TDS काट लेता है, इसे गवर्नमेंट के पास जमा कर देता है, तो उसके बाद बायर को TDS सर्टिफिकेट भी इशू करने होते हैं। इसके लिए फॉर्म नंबर 16B दिया गया है। ये सर्टिफिकेट आपको ऑनलाइन जनरेट करके जारी करने होते हैं। इसके ऊपर आप कंप्लीट वीडियो CS Advir सिंह चैनल पर देख सकते हैं, जिसका लिंक के राइट हैंड साइड कार्ड में भी दिया गया है। यदि आप ये फॉर्म इशू नहीं करते हैं तो 500 रुपीज़ पर डे की लेट फीस लगाई जा सकती है गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये जो बायर के द्वारा TDS काटा गया है सेलर का, इसका सेलर इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते हुए क्रेडिट क्लेम करेगा, यानी कि यदि उसकी टैक्स लायबिलिटी बनती है तो उसमें से इसे लेस कर देगा, और यदि उसका कोई टैक्स नहीं बनता है तो उसका रिफंड क्लेम कर लेगा। तो ये जो TDS है वो उसे अपने 26AS में चेक कर सकता है, और इनकम टैक्स के पोर्टल पर एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट और TIS के अंतर्गत भी चेक कर सकता है। इसके ऊपर भी आप वीडियो CS Advir सिंह चैनल पर देख सकते हैं। यदि आपको कोई और क्वेश्चन हो TDS ऑन परचेज या प्रॉपर्टी से रिलेटेड, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। गवर्नमेंट के द्वारा नई टैक्स रेजिम में बहुत से चेंजेस किए गए हैं, जिसके द्वारा कि आपको ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ सकता है। तो इसके ऊपर कंप्लीट वीडियो आप CS Advir सिंह यूट्यूब चैनल पर जाके देख सकते हैं वीडियोज़ के अंतर्गत। यहाँ पर प्लेलिस्ट के अंतर्गत भी डिफरेंट प्लेलिस्ट दी गई हैं, तो आप इन वीडियोज़ को देखिए और सभी लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुँच पाए और वो इनकम टैक्स की कंप्लायंस कर पाएँ। रेगुलर टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS Advir सिंह टैक्सिल में ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।